हम लोगों ने कभी कभी अपने आरडी परेड होती है, क्या होती है? रिपब्लिक डे परेड। क्या होती है? रिपब्लिक डे परेड, है ना। मैं सैनिक स्कूल में था और मैं ट्रम्पेट बजाता था। ट्रम्पेट देखा है आप लोगों ने, उसमें तीन ऐसे बटन्स रहती हैं, तो सारे जहाँ से अच्छा और द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, फिर जनगण मन, ये सब सारी चीज़ें मैं प्ले किया करता था। और मैं आरडी परेड में भी शामिल हुआ हूँ दो बार। तो आरडी परेड आप लोगों ने देखा ना, आपके नेशनल टेलीविजन पर आती है, जब आप 26 जनवरी पर हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है और उसके आसपास जो हमारे देश की सेनाएं हैं वो मार्च कर रही होती हैं, तो उसी परेड से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक टुकड़ी है सेना की, ठीक, 32 लोग हैं उसमें, और एक उससे बड़ी टुकड़ी है जिसमें 616 लोग हैं। और है क्या ये 32 लोग आगे चलेंगे और उसके पीछे ये 616 लोग चलेंगे? हम लोगों का स्कूल था तो जो यूपी सैनिक स्कूल है उसके कितने लोग रहा करते थे, उसके जितने भी लोग रहते थे उनके जस्ट आगे हमारे देश में जो एनसीसी के बच्चे होते हैं ना, तो जो एनसीसी के कुछ बच्चे थे वो चला करते थे। तो यहाँ पर चल रहा है एनसीसी और यहाँ पर जो मेरा स्कूल था यूपी सैनिक स्कूल वो चल रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए। अब क्या हुआ, अब बात यह है कि जितने लाइन्स में ये लोग चल रहे हैं उतने में हम लोगों को चलना होता था। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई परेड में बहुत सारे लोग हैं और किसी में बहुत कम लोग चल रहे हैं, तो फिर बहुत अजीब लगेगा देखने में। और हमें वहां पर डिसिप्लिन ही तो दिखाना होता है, अनुशासन दिखाना होता है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 32 लोग हैं इन लोगों की कोई एक पायलट टुकड़ी है जिसको कोई आर्मी बैंड है, उसमें 32 लोग हैं, दूसरे में क्या है 616 लोग हैं, अब इनको परेड में चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जितनी लाइन्स बनेंगी उसको यहाँ पर उन्होंने कॉलम नाम दे दिया। कितनी बन सकती, मैं 6 बना रहा हूँ, जरूर नहीं है 6 बने, कितनी बनेंगी मुझे पता नहीं है, लेकिन जितनी भी बनेंगी उसमें ये 32 लोग आ जाएंगे और उसके पीछे फिर 616 लोग भी उतनी ही लाइन्स में चलेंगे। तो इसका मतलब है कि 32 लोग पूरे पूरे विभाजित हो जाने चाहिए उन कॉलम्स में। तो अगर 6 होंगी तो 632 में पूरा पूरा भाग जाता नहीं, इसे 6 तो हो नहीं सकता, है ना। क्या होगा वो हम देख लेंगे। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ऐसी संख्या जो आएगी उससे 32 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, साथ में 616 में भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक वो जितनी कॉलम्स है वो कितने हो सकते हैं। और अधिक से अधिक की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें HCF निकालना है। तो मैथमेटिकली तो बहुत आसान है, ये पूरी पिक्चर समझना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, हमें समझ में आता है कि ओ ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब गणित ऐसा नहीं है, कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा कोई इक्वेशन है 2x + 5 निकाल दिया, x बराबर हो गया -π/2। ये है, ये क्या है, ये एक टूल है, एक हथियार है। आपके पास एक हथियार था इक्वेशन सॉल्व करने का, आपने उस इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको वहां से x मिल गया। x मिल के करोगे क्या, समझ रहे हो ना, क्यों x निकालना था, x निकालने के बाद से फायदा क्या होगा, वो चीज समझना, वहां पर एप्लीकेशन वाली दिमाग लगाना वो जरूरी है। नहीं तो ये तो टूल है, आपको मैंने दे दिया कुछ भी टूल दे दिया, ये दे दिया मार्कर, आपको मिल गया मार्कर, आपको पता है इससे लिखोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। इससे लिखना क्या है, पढ़ाना क्या है, वो नहीं पता होगा तो इसका क्या करोगे आप बताइए, या मतलब ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी प्रोडक्टिव करोगे ना, वो इसको उस टूल को यूज कैसे करना है, किस काम के लिए करना है वो जरूरी है। तो मैथ्स क्या है, टूल है। मैथ्स को वैसे तो बोला जाता है नेचर, लैंग्वेज ऑफ द नेचर, है ना, प्रकृति की भाषा कहा जाता है मैथ्स को। क्या कहा जाता है, प्रकृति की भाषा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और इस पर मैं एक कभी टाइम मिलेगा तो पूरी एक सीरीज निकालूंगा कि क्यों मैथ्स को बोला जाता है नेचर की लैंग्वेज और फिजिक्स को क्या बोला जाता है। फिजिक्स आप लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को बोला जाता है स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर को पढ़ा कैसे जाता है, जिसको नेचर को पढ़ने की बात आती है फिजिक्स में, यानी भौतिक विज्ञान में, जो हमारे भौतिक जगत में है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश किसमें करते हैं, भौतिक विज्ञान में। लेकिन नेचर को पढ़ने की जो भाषा है वो क्या है, गणित है। तो गणित का प्रयोग हम लोग करते हैं नेचर को पढ़ने के लिए, तो वहां पर भी गणित एक तरह से टूल की तरह काम करती है, एक अस्त्र शस्त्र है, एक हथियार है, एक मशीन है, समझे। तो यहाँ पर क्या है, आप निकाल तो बहुत जल्दी लोगे, HCF यानी कि मासों पर निकालना आपको आता, आप निकाल लोगे, आप निकल भी जाएगा, आप भी खुश हो जाओगे, टीचर भी खुश हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनी तो JEE नहीं निकलेगा, है ना, या फिर JEE में रैंक खराब आ जाएगी, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छे कॉलेज जाने का सिर्फ फायदा ये होता है कि आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, और अच्छे लोग मिल जाते हैं तो आपका नेटवर्क अच्छा हो जाता है, है ना। तो बहुत ज्ञान बांट दिया, अभी इसको कर लेते हैं, अगर मैं इसको तुरंत ही कर देता तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था, है ना, फिर वीडियो भी बहुत छोटा बनता है, फायदा क्या होता, राइट, आपको भी मजा नहीं आता। तो अभी क्या करते हैं, 32 है और 616 है, तो 32 और 616 का हमें HCF निकालना है। हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही कर लेते हैं, 616 है
32 दूनी 64, 64 तो है नहीं, यानी कि एक ही बार भाग जाएगा, 32 हो गया, क्या बचा, 9 बचा, यहाँ से क्या आ गया, 2, 5 रह गया, तो 5 में से 3 जाएगा 2, अभी आ गया 6, अब क्या करेंगे आप फिर से भाग देंगे, तो 32 से इसमें कितनी बार जाएगा, 8, 24, 3 ने 27, तो 9 बार भाग जा सकता है, 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगी 1, 9 ते 27 और 1, 28, यानी कि क्या बच गया, 8 बच गया, यहाँ पे शून्य आ गया, यहाँ पे शून्य आ गया, तो शेष तो शून्य है नहीं। अब आप क्या करेंगे, शेष शून्य नहीं होता है तो आप इससे इसमें भाग देंगे, 32 को आपने बना दिया भाज्य, 8 चौको 32, क्या हो गया, शून्य, यानी कि ये 8 जो है ये आपका हो गया HCF। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रियल लाइफ मीनिंग है वो ये होगा कि 8 लाइंस बनेंगी, ठीक है, कितनी लाइंस बनेंगी, 8, 4 और 4 8, यानी कि जो 32 लोगों का कंटिजेंट था, जो 32 लोगों की छोटी वाली टुकड़ी थी, उसको बैंड बोल लो कुछ भी बोल लो, वो देखिए 1 2 3 4, और ऐसे आप 8 कर देंगे तो 4 8 32, यानी कि इतने में 32 लोग आ गए, कितने लोग आ गए, 32 लोग आ गए, उसके बाद से बाकी के 8 8 के पीछे ही चलेंगे, लेकिन ये कितने में आ पाएंगे, कितने रोज लगेंगे, ये रो बोलते हैं, देखिए ऐसे ऐसे जो जा रही होती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्षैतिज रूप से, उसको क्या बोलते हैं, रो, और जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है उसको बोलते हैं कॉलम, तो हमको यहाँ पर भी कॉलम बोला गया, स्तंभ बोला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 616 लोगों को आपको फिट कराना है, कितने लोगों को, 616 को, तो हर एक में 8 8 लोग, कितनी लाइन बनेगी, 8 से आप भाग दे दीजिए, 8 7 56, 5 5 5 6, 8 7 56, यानी कि ऐसे 70 रोज बनेंगे, है ना, बहुत बड़ी टुकड़ी है आर्मी की, यहाँ पे 70 ये इसी कॉलम में, यहाँ पे 70 रोज बनेंगे और ऊपर वाले में 4 बन रही हैं, तो ये हमारा एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा हमें वो समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।